आज के सेगमेंट में हम लोग देखते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स का दूसरा पार्ट, जिसे हम बैकिंग अप भी कहते हैं। बैकिंग अप हमेशा नॉन स्ट्राइकर करता है। बैकिंग अप करते वक्त नॉन स्ट्राइकर ने हमेशा उस हाथ में बैट रखनी है जो हाथ स्टंप के नज़दीक होता है। इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो, मेरा लेफ्ट हैंड स्टंप के नज़दीक है, तो मैं इस तरह से बैट को होल्ड करते हुए बैकिंग अप करूँगा। और जब तक बॉलर बॉल रिलीज नहीं करता है, तब तक आप अपने क्रीज से बाहर नहीं निकलोगे। हमेशा जो आप बैकिंग अप करोगे छोटी स्ट्राइड्स के साथ करना है। इसके लिए मैं एक आपको टिप दे रहा हूँ, अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है या इवन स्पिनर्स भी बॉलिंग कर रहे हैं, आप कोशिश करिए स्टंप के लाइन में जो क्रीज होती है, जिसे बॉलिंग क्रीज कहते हैं, वहाँ पे खड़े रहे। और जैसे ही बॉलर अपना रनअप स्टार्ट करता है, जैसे वो अंपायर को क्रॉस करके आगे आता है, आप लोगों ने भी छोटी छोटी स्ट्राइड्स लेते हुए बैट को ट्रैक करते हुए इस तरह से आपको बैकिंग अप करना है। आपने देखा होगा मैं भले ही आगे निकल गया, लेकिन मेरी बैट अभी भी क्रीज के अंदर ही थी, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। अगर इस तरह से आप बैकिंग अप करते हो, आप अपना रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफ़ी क्विक कर लोगे, और ये एक अच्छा स्मार्ट मूव है जिससे आप फास्ट और फास्ट हो जाओगे। सो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कृपया उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू।